हाय फ्रेंड, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। गाइज, आप सभी को नमस्कार। साथियों, क्या है कि अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट सीएनसी प्लस एचएमसी प्लस बीएमसी मशीन की है, और मेरे बहुत सारे जो भाई लोग हैं इस इंडस्ट्रीज में नया आना चाहते हैं। और एक मेरे मित्र का कमेंट आया था कि भैया, ऐसा है कि मैं किसी ऐसी जगह में काम करता हूँ जहाँ पर ये लगा लीजिए कि बोले तो उनको क्या बोलते हैं जो डॉक्टर के साथ काम करते हैं, कंपाउंडर शायद बोलते हैं, और यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरे साथ जो काम करने वाले हैं वो 20-20 साल के हैं, और उनकी भी सैलरी लगा लीजिए कि किसी की है 17,000, किसी की है 18,000, किसी की 20,000 है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब ये लगा लीजिए कि जो 20 साल से काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी यही है। तो मेरे से ये कह रहे थे कि अगर मैं इस इंडस्ट्रीज में आता हूँ तो स्टार्टिंग में मेरी सैलरी कितनी होगी। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ जो इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, कुल मिला के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो आना चाहता है, सीएनसी टर्निंग मशीन, चाहे बीएमसी मशीन, चाहे एचएमसी मशीन, और चाहे इसमें रोटर भी सीखते हैं सीएनसी में, अगर कोई भी आता है तो देखो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग की जो सैलरी है करीब लगा लीजिए कि 12,500 आठ घंटे की मिलेगी। आप प्लस 4 घंटा अगर आप ओटी लगाते हो तो 18,000 के आसपास पड़ जाएगी। उसके बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप किसी और कंपनी में जाओगे तो 8 घंटे की 15,000-17,000 ऐसे सैलरी मिल जाएगी। तो ये लगा लीजिए कि 25,000 रुपये घंटे आप आराम से उठा सकते हैं। अगर इसमें आप सेटिंग अच्छे से सीख लेंगे तो ये लगा लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो कम से कम ये लगा लीजिए कि 30,000 से प्लस मिल जाएगी 8 घंटे की। क्योंकि गाइज, हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं फरीदाबाद इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी कंपनियों में, उनकी सैलरी किसी की 27,000 है 8 घंटे की, किसी की 32,000 है, किसी की 35,000 है। बहुत सारे ऐसे जो मित्र हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, और ये लगा लीजिए कि एक्सपीरियंस हमसे कम है तब भी उनकी सैलरी अच्छी है। क्योंकि गाइस क्या है ना कि एक्सपीरियंस ये लगा लीजिए कि मायने तो रखता है, 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन कहते हैं ना कि किसी का इंटरेस्ट होता है किसी और चीज़ों में। अब जैसे मैं हूँ तो मेरा सीएनसी में इंटरेस्ट पहले बिल्कुल भी नहीं था, ये हो रहा था कि मैं छोड़ दूँ इसी इंडस्ट्रीज को। बट क्या है कि जब से मैं यूट्यूब पे आया तो मुझे लगा कि नहीं भाई यार, इसी इंडस्ट्रीज में काम को अच्छे से करना चाहिए। तो आप लोग अगर इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हो तो देखो भाई, आप लोग SMS करते हो, मैसेज करते हो, आप लोग पूछते हो कमेंट में, कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है sonupaswan1569। और आप लोग बिल्कुल नए हैं तो आप लोग इस इंडस्ट्री में जब भी आएंगे तो स्टार्टिंग में सैलरी देखो भाई, आप 12 घंटे की करीब 18,000 से 20,000 तक कमा सकते हो। और देखो, सीखना अगर चाहते हो तो आप चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग ले सकते हो जल्दी अगर सीखना है तो। कोई लेता है 12,000, कोई लेता है 10,000, कोई लेता है 20,000। और अगर आप वर्कशॉप कंपनी में अगर काम करके सीखना चाहते हो, चाहे बड़ी कंपनी में काम करके सीखना चाहते हो, तो आप देखो भाई 2-3 महीने टाइम लगेगा। कहाँ पर आप सीख सकते हैं, कहाँ कहाँ कंपनी है, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। अभी मैं 101% सबको रिप्लाई करता हूँ। तो बस इस वीडियोज को बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि काफ़ी भाई जो लोग हैं उनको कन्फ्यूजन था कि हम इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ज़रूरत। और देखो, क्वालिफिकेशन की बात रही तो आप 8 भी हैं 10 भी हैं 12 भी हैं, तो ये कोई मायने नहीं लगता है। कुल मिला के अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।